नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूँ समीर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सत्र काफी हंगामेदार है। आज सदन के अंदर जो झारखंड आंदोलनकारी हैं उनके सम्मान को लेकर और नियोजन नीति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने। या फिर जो ऐसे भी थे जिनके मुकदमे नहीं होने के बावजूद जिनके स्वर से जिनके लिखने से झारखंड आंदोलन को गति मिला है, उन सभी को इस प्रदेश के अंदर में स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर फ्रीडम फाइटर का, झारखंड के फ्रीडम फाइटर का सम्मान मिलना चाहिए। बीच में उनके लिए एक सम्मान राशि घोषित की गई, मैं हर उस घोषणा पे मैं नहीं जाता, लेकिन प्रश्न ये है कि जहां 100 साल लंबा संघर्ष जिस प्रदेश में हुआ और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि उस आंदोलन के बदौलत ही ये झारखंड प्रदेश का गठन हुआ है, सर्वमान्य ये विषय है। यदि ये विषय है तो उनके लिए लड़ने वाले लोगों को उसके ही प्रदेश में सम्मान मिले और उसका दर्जा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हो, ये मैंने मांग की। सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार ने अपने दिए जाने वाली सुविधा की चर्चा की, लेकिन उसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपके 3,000, 5,000 या 7,000 की राशि के लिए कोई अलग राज्य के लिए लड़ा नहीं, वाले कि उसके अलग राज्य होने के बाद उनका अहमियत इस प्रदेश में, उनके परिवार का अहमियत इस प्रदेश में बना रहे। आज के दिन कोई भी शहीद परिवार आज मुख्यालय आता है या अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाता है, कोई सरकारी पदाधिकारी से मिलने के लिए आम लोगों की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है, वो सरकारी अतिथि नहीं बन सकता। आज सिद्धू कानू, जान भैरव जिनके नाम पर लोग निबड़ते हैं, स्वर्गीय निश्चल महतो, सारे जितने भी लोग जो इस प्रदेश के लिए या फ्रीडम देश के लिए जो लोग यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया है, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं हो पाता। एक साधारण कलेक्टर अगर रांची आते हैं, जिला मुख्यालय में जाते हैं, उनके लिए सर्किट हाउस खोला जाता है, लेकिन इन आंदोलनकारी और उसके परिवार के लिए ठहरने के लिए छत भी मुहैया नहीं हो पाता। ये सम्मान का विषय है। सरकारी समारोह में चाहे कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी समारोह हो, कहीं भी इनकी पूछ नहीं होती है, कहीं इनको बुलाया नहीं जाता है। इनके आवागमन की सुविधा, इनके रहने की सुविधा, इनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, आगे क्या होगा नहीं होगा बोल के किसी तरह का स्पष्ट निर्णय सरकार का नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप फ्रीडम फाइटर का अगर इनको दर्जा दे देते हैं तो स्वतः ये सारी सुविधाएं उस परिवार के साथ युक्त हो जाएंगी। इसीलिए मैंने मांग की और सरकार केवल इन विषयों को टालना चाहती है। हमने समय सीमा पूछा, आश्वासन आया, सरकारी पक्ष के विधायक भी इस विषय के साथ खड़े हुए, वो खुद स्वीकार करके बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बावजूद स्पीकर साहब ने कहा कि इस बार छोड़ दीजिए, ये छोड़ते छोड़ते ये समय निकलते जा रहा है। झारखंड के मूल लोगों का हाशिए में है और लगातार आप देखेंगे उनका आंदोलन चलते रहता है। आंदोलन करने वाले अपने ही प्रदेश में अपने अधिकार के और सम्मान की मांग करते रहते हैं। यही मैंने करना चाहते हैं, मैं क्या देना चाहता हूं और मैं अहमियत उसका क्या रखना चाहता हूं। ये राह कभी तो स्टार्टअप करेगा ना, कोई प्रदेश तो शुरुआत किया, मैं उसके पीछे लग जाऊं ये जरूरी नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए किस सम्मान के स्तर पर जाना चाहता हूँ उसकी पहल करनी चाहिए। सुदेश जी, वर्तमान में सरकार का कोई नियोजन नीति नहीं है, छात्र जो है वो सड़क पर है। ये मैंने कहा कि हर चीजों को इनकी शुरुआती से रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस पार्टी के जो लीडर हमेशा कभी भी किसी विषय का समाधान नहीं किया। आप अलग राज्य से लेके आइए जाइए, अलग राज्य का समाधान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया नहीं, कभी समाधान के पक्ष में ये रहते नहीं और वही आचरण आज सरकार चलाने में भी वही आचरण को दोहरा रहे हैं। वो किसी विषय के साथ किसी समाधान के लिए वो नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिक्स जिंदा रहे, एक विषय जिंदा रहे जिसके ऊपर वो भावनात्मक रूप से झारखंड के लोगों के साथ खेलते रहे। इस बार वो युवा के साथ खेल रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कितनी मेहनत से नौजवान तैयारी करता है, वो नहीं समझ रहे हैं कि एग्जाम अटेंड करने के लिए उसको कितना समय, कितना उसके परिवार का समर्पण होता है। अगर इस चीज की चेतना होती तो ऐसे निर्णय कभी लेके नहीं आते। आपने सुना, आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने जो झारखंड आंदोलनकारी है उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोई 2,000-4,000 रुपए के पेंशन के लिए नहीं स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ा था। वह लोग 100 वर्षों से अधिक झारखंड में झारखंड की जल जंगल जमीन बचाने को लेकर आंदोलन किया था और संघर्ष किया था। इसके अलावा जो नियोजन नीति रद्द हुई उस पर भी सुदेश महतो ने सरकार पर हमला किया। इन्होंने कहा कि छात्रों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, यह मुद्दों को सुलझाना नहीं चाहते, जानबूझकर उसे उलझा देते हैं ताकि इनकी राजनीति जिंदा रहे।
द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।